बड़ी अजीब कहानियां लिखी हैं। फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद एक नेक बादशाह था, उसके पास एक देहाती नौजवान आ गया। उसका ताल्लुक देहात से था, तालीम भी नहीं थी, कुछ ऐसी तरबियत भी नहीं थी, मगर बादशाह के दरबार में आके जब खिदमत पे लगा तो उसने इतनी अच्छी खिदमत करनी शुरू की कि थोड़े दिनों में बादशाह की आंखों में बड़ा दर्जा पा गया। बादशाह ने अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर लिया। अब जो पहले से मुकर्रबीन थे ना, वो बहुत जेलस होते थे, हम बड़े खानदानों वाले और बड़ी अकल समझ वाले, तालीम वाले, हम बादशाह के मशीर थे, ये कल का नौजवान पता नहीं कहां से आ गया देहात से उठ के, कि बादशाह की इसके ऊपर बड़ी खास नजर पड़ती है। चुनाचे उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम बादशाह से मौका मिलने पे बात करेंगे। उन्होंने बात की कि बादशाह सलामत, जो मोहब्बत की नजर उसकी तरफ उठती है वो हमारे ऊपर नहीं उठती। हसब में हम अच्छे, नसब में हम अच्छे, माल में हम अच्छे, अकल में हम अच्छे, लेकिन मोहब्बत की नजर उसको जो मिल गई वो हमें नहीं मिल रही। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा, मैं किसी मौके पे इसका जवाब दूंगा। अब बादशाह ने क्या किया कि एक फल मंगवाया जो बहुत कड़वा था, काशें बनवाई और काशें उन सब लोगों में तकसीम कर दी जो एतराज करने वाले थे, और अय्याज भी वहीं बैठा था, तो जिस जिसको वो काश मिली उसने मुंह में डाला, थू थू। बादशाह सलामत बड़ा, बहुत कड़वा, तोबा तोबा, बहुत कड़वा। सब ने अपने मुंह से वो फल निकाल दिया और कहा कि बादशाह सलामत ये बहुत कड़वा है। तो बादशाह ने जब अय्याज को देखा तो वो मजे से खा रहा था, तो बादशाह ने उससे पूछा कि अय्याज, ये काश मीठी है जो इतने मजे से खा रहे हो? उसने कहा बादशाह सलामत है तो कड़वी, खाते क्यों जा रहे हो? उसने कहा बादशाह सलामत, मेरे दिल में यह बात आई कि जिस बादशाह के हाथों से मैं जिंदगी भर मीठी चीजें लेके खाता रहा, अगर आज मुझे कड़वी भी मिल गई तो मैं इसको वापस कैसे करूं? उम्र भर मीठी चीजें लेके खाता रहा, आज कड़वी भी मिल गई तो वापस कैसे करूं? काश के ये चीज हमारे अंदर आ जाती कि जिस परवरदिगार की नेमतों से सारी जिंदगी हम एंजॉय करते रहते हैं, अगर कभी कोई उसकी तरफ से आजमाइश की घड़ी भी आ जाए तो हम फिर शिकवा क्यों करते हैं? अब बादशाह ने सोचा कि भाई, ये लोग जो बहुत एतराज करने वाले थे ना, इनके सामने कोई और ऐसा हीला करना चाहिए कि जरा इनको बात समझ में आ जाए। तो एक दिन बादशाह आया और उसने कहा कि देखो भाई, आज मैं तुम सब की अकल का इम्तिहान लूंगा, तुम्हारा आईक्यू लेवल देखूंगा क्या है, और मैं देखता हूं कि कौन इसमें पास होता है। अब जब बता दिया तो सब बड़े मुहतात हो गए। बादशाह ने एक मोटा सारा हीरा दिखाया, देखो ये कितना कीमती है, कितना चमकदार है, और एक हथौड़ा भी साथ दिया, और पहले को कहा कि जी ये जरा हीरा जो है तोड़ के दिखाओ। अब वो समझ रहा था कि बादशाह ने हमसे इम्तहान लेना है हमारी समझदारी का, तो उसने कहा बादशाह सलामत, ये हीरा तो बहुत कीमती है, इतने कैरेट का, और बिल्कुल बेऐब है, कोई फला नहीं, फला लेस है, लिहाजा इसको तो नहीं तोड़ना चाहिए। बादशाह मुस्कराया, कहने लगा हाँ बहुत अच्छा। तो वो समझा कि भाई मैंने बादशाह को कन्विंस कर दिया, चुनाचे दूसरे को दिया, उसने भी इसी किस्म की लॉजिक, तीसरे को दिया, उसने भी लॉजिक, जितने एतराज करने वाले थे सबको हीरा हथौड़ा देते रहे, वो यही लॉजिक देते रहे और माजरत करते रहे, हत्ता के बादशाह ने वो हीरा अय्याज के हाथ में पकड़ाया। जब अय्याज को कहा अय्याज इसे तोड़ो,
अय्याद ने उसको नीचे फर्श पे रखा, दे के मारा हथौड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब जब इतने कीमती हीरे के टुकड़े हो गए तो वो तो सारे खुश हो गए। आज इसका गंवारपन खुला, इसकी जहालत खुली, बेवकूफ, क्या पता इसको ये कितनी कीमती चीज थी। तो वो एक्सपेक्ट करने लगे कि आज तो बादशाह इसको धक्का दे देगा दरबार से। तो जब हीरे के टुकड़े हो गए तो बादशाह ने उसकी तरफ देख के कहा, अय्याज तूने हीरे के टुकड़े कर दिए इतने कीमती हीरे के। तो अय्याज ने आगे से सिंपल सा आंसर दिया कि बादशाह सलामत, आपने मुझे हुक्म दिया था हीरे को तोड़ दो। अब मेरे सामने दो ऑप्शन थी, या तो इतने कीमती हीरे को तोड़ देता या फिर मैं इनकार करता तो आपके हुक्म को तोड़ देता। मेरी नजर में आपका हुक्म ऐसे सैकड़ों हीरों से ज्यादा कीमती था, लिहाजा इसको कम कीमत समझते हुए मैंने आपके हुक्म को नहीं तोड़ा, मैंने हीरे को तोड़ दिया। तो भाई जितना अय्याज के दिल में बादशाह के हुक्म का एहतराम था, काश हम बंदों के दिल में परवरदिगार के हुक्म का ऐसा एहतराम आ जाता। हम ख्वाहिशों को तोड़ दें, तमन्नाओं को तोड़ दें, अपनी उम्मीदों को तोड़ दें, हम कभी भी हुक्म खुदा को ना तोड़े। तीसरा वाक्य लिखा कि एक दिन एक मोतरिस जो था वो आया और उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये जो आपका ज्यादा है ना चहेता अय्याज, हमें लगता है कि ये खजाने से चीजें चुराता है, हमें तो शक है। बादशाह ने पूछा कैसे है? उसने कहा जी एक जगह क्लोजेट बनाई हुई है इसने और ये सुबह शाम उस क्लोजेट का दरवाजा खोलता है और देखता रहता है और ताला लगा के चाबी अपने पास रखता है, चाबी किसी के हाथ में नहीं देता। तो बादशाह सलामत, हमें तो पक्का शक है कि आपके खजाने से इसने कीमती चीजें चुरा के रखी हैं और ये सुबह शाम देखता है उनको। बादशाह ने उसी वक्त अय्याज को बुलवा लिया, लोगों के सामने पूछा, अय्याज तुम्हारी कोई क्लोजेट है ऐसी? जी। ताला लगा के रखते हो? जी। सुबह शाम खोल के देखते भी हो? जी। लाओ चाबी उसकी। अय्याज ने चाबी निकाल के दे दी। बादशाह ने एक आदमी को भेजा कि जाओ और क्लोजेट में जो कुछ पड़ा है सब उठा के ये लेके आओ। अब जब वो गया तो अय्याज तो मुतमैन खड़ा रहा मगर मोतरेजीन बड़े खुश हुए, आज पकड़ा गया, आज समझ लगेगी बादशाह को ये कैसा बददियानत इंसान। थोड़ी देर गुजरी तो जो गया था वो ताला खोल के क्या देखता है कि उसमें एक पुराना सा लिबास है और एक पुराना सा जूता रखा हुआ और कुछ भी नहीं। बड़ा हैरान हुआ, इसको ये सुबह भी देखता है शाम भी देखता है। वो उसको लेके बादशाह के पास आया। बादशाह सलामत, क्लोजेट में ये दो चीजें थी। बादशाह ने कहा, अय्याज बस यही कुछ था? जी यही था। अय्याज ये तो इतनी कीमती नहीं कि तुम इनको ताले में रखो और सुबह शाम इसको जा के देखो। अय्याज ने कहा कि बादशाह सलामत मेरे लिए कीमती है। पूछा क्यों? कि बादशाह सलामत, जब मैं पहली मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, मैं देहाती सा लड़का था, ये तहबंद बांधी थी, ये कुर्ता पहना था, ये जूता पहना हुआ था, मैंने इसको अपने लिए प्रिजर्व करके रख लिया। अब रोज सुबह और शाम मैं दरवाजा खोलता हूं, अपने नफ्स को मुखातिब करके कहता हूं, अय्याज बादशाह के एहसानात को मत भूलना, तुम्हें जो उसने रुतबा दिया तुम्हारी औकात तो ये थी, तुम्हारी औकात ये थी। मैं सुबह भी अपने आप को याद दिलाता हूं,
मैं शाम भी अपने आप को याद दिलाता। मौलाना लिखते हैं, काश कि ये सिफत अल्लाह हमें भी अता फरमाता, हम भी अपने इब्तिदा को देखते, क्या हाल था, क्या हमारी औकात थी, और आज अल्लाह ने अपनी रहमतों से, नेमतों से, बरकतों से किस तरह हमें माला माल कर दिया। हम भी अपनी बुनियाद को याद रखते हैं। तो अगर एक दुनिया का गुलाम अपने मालिक के हुक्म को इतना कीमती समझता है, तो हम तो अल्लाह के वैसे ही बंदे हैं, गुलाम से भी एक दर्जा नीचे। हम तो अल्लाह की मिल्क हैं, मखलूक हैं उसकी। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की अजमत को सामने रखें, हमेशा ख्याल रखें कि हुक्म खुदा कभी भी टूटने ना पाए।